ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। 5 अप्रैल रात 9 बजे यह दिवाली तो नहीं थी, लेकिन इस पल का अनुभव दीपावली से कम भी नहीं था। वास्तव में यह भारतीयों के संकल्प, समर्पण, समर्थन और सहयोग की दीपावली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ मिलकर 9 मिनट की यह दीपावली मनाई गई। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में सभी भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मिनट तक दिया मोमबत्ती टॉर्च की रोशनी के साथ अपनी एकजुटता दिखाने का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील का ही असर था कि ठीक 9 बजे ही लोगों ने अपने अपने घरों की लाइट बंद की और छतों, दरवाजों और बालकनी पर दिया मोमबत्ती टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर खड़े हो गए और हर तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश की लौ दिखाई देने लगी। Thank you.
जूम करना सिर्फ दाएं से बाएं घुमा देना, बाएं से दाएं घुमा देना, ठीक है। प्लस मत मारो। कोरोना वायरस उन्मूलन के प्रकाश वर्ष में मैं डीजी एनडीआरएफ की तरफ से समस्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को यह दिल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो एक प्रण लिया गया है कि हम सभी देशवासियों के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी कोरोना पे पूर्णतया काबू पा लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी एनडीआरएफ आपके साथ तन मन धन से हर समय साथ में है। और मेरा पूरे भारतवासियों से अनुरोध है कि ये लॉकडाउन के प्रोसेस में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आह्वान किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ मैन और मटेरियल, इसको बनाए रखें, इसको कायम रखें ताकि कोरोना की महामारी जल्दी से जल्दी हम जीत सकें। एक्चुअली वी ऑल सपोर्ट मोदी। वो जो भी कहते हैं उनका एक अलग ही इम्पैक्ट रहता है, वो जो बोलते हैं वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनका इतना ज़्यादा वो है कि हाँ कि वो उन्होंने जो कहा है वो सही होगा। सो वी ऑल होप कि हाँ हमें कोरोना से जल्दी जल्दी हम फ्री हो जाएं, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वी ऑल होप कि हाँ जो हो सब अच्छा हो। देखिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे अपने आदरणीय मोदी जी को, जिनके आह्वान पर हमने 130 करोड़ जनता ने दिए जला के 9 मिनट तक संकल्प लिया है कि इस वैश्विक महामारी से भगाना है देश को। हम भगा के रहेंगे, हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। थैंक्स मोदी। मैं राजेश तुलसियान, दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस कोरोना से लड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर से पुलिस वाले? मेरी तमाम संवेदनाएं, तमाम शुभकामनाएं, शुभेच्छा उन पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासन शासन से जुड़े लोगों के लिए है जो अपनी जान जोखिम में डालकर अनवरत लगातार सेवा कर रहे हैं। एक धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं को भी कि दिन हो या रात आपने समय नहीं देखा, जहां भी आवश्यकता पड़ी आप खड़े हुए। थैंक यू। या वी ऑल टू सपोर्ट टू मोदी। एंड आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 9 मिनट का पूरा दिया जल रहा है यहाँ पे, और इसका एक अलग ही माहौल बना हुआ है। तो थैंक्स टू मोदी।